सीरियल गुमे किसी के प्यार में जब ईशान अपने घर पहुंचता है तो उसका एक्सीडेंट देखकर सभी बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। फिर जब सबको मालूम पड़ता है कि जहां ईशान कंपटीशन को जज करने आया था वहां ईशा भी आई हुई थी, सब उससे पूछते हैं क्या वो ईशा से मिला, जिस पर उसका दो टूक जवाब है कि उसका अब ईशा से कोई नाता नहीं है और वो अपने पापा से भी कहता है कि अगर कभी भी भविष्य में वो ईशा को घर लाने की सोचेंगे तो ईशान अपना बोरिया बिस्तर बांट कर वहाँ से चला जाएगा। वहीं काकू विराट की फ़ोटो लेकर अपना जस्टिफिकेशन दे रही हैं कि वो सभी को कभी भी सही बनने नहीं देंगी, लेकिन सभी भी किसी से पीछे नहीं है। वो अपनी टूटी हुई ट्रॉफी को अपनी माँ की तरह जोड़ने में कामयाब रहती है और अगले दिन तो सभी जो तमाशा करती है वो देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। अगले दिन सभी सबका सामान गायब करने लगती है, किचन से नाश्ता गायब हो जाता है, निनाद के अखबार गायब हो जाते हैं और काकू का चश्मा भी गायब हो जाता है। सब लोग अपना सामान ढूंढ रहे होते हैं। इधर ईशान और रीवा में थोड़ी बहुत प्यार की शुरुआत दिखाई जा रही है और ऐसा लगता है कि जल्दी ही उनका प्यार शुरू हो जाएगा, जिसे शुरुआत में विराट और पत्रलेखा के साथ हुआ था कि 2-3 मुलाकातों में उनको प्यार हो गया था। कहानी बिल्कुल उसी तरह आगे बढ़ने वाली है कि ईशान को भी प्यार किसी और से होगा और शादी किसी और से हो जाएगी। इधर घर में परेशान लोग जब सभी के कमरे में जाते हैं तो वो जो देखते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सभी के पास घर में मौजूद सारा खाना है, चश्मा है और अखबार भी है और घर की खिड़की टूटी हुई है जिसको तोड़कर सभी बाहर आई है। सभी का कहना है कि उसे कोई दीवार कोई दरवाजा नहीं रोक सकता है और काकू सभी की हरकत देखकर आग बबूला हो उठती है और एक बार फिर उसे मारने के लिए दौड़ती है। सभी अपने आप को बचा लेती है लेकिन काकू गुस्से में आकर सभी के हाथ पांव बांध देती है। काकू सभी के हाथ पैर बांध के एक बार फिर लड़के वालों के यहाँ निकल जाती है। उनका कहना है कि वो लड़के वालों से माफ़ी मांगेंगी और उनको सभी को एक बार फिर से देखने के लिए मना लेंगी और उनके जाते ही सभी कब अपना हाथ खोल लेती है। अश्विनी ये देखकर भौंचक्की रह जाती है। अश्विनी खैर सभी को इमोशनल ब्लैकमेल करके लड़के वालों से एक बार मिलने के लिए मना लेती है और सभी भी उनकी बात रखने के लिए लड़के वालों से मिलने के लिए मान जाती है। सभी क्या इतनी आसानी से अपनी शादी के लिए मान जाएगी या अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगाएगी कोई जुगत, ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही देखेंगे हम।